नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर, ये आज का हमारा रेट एनालिसिस सीरीज का छठा वीडियो है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रिक मैसनरी का रेट एनालिसिस कैसे करते हैं। इसमें 9 इंचेस ब्रिक मैसनरी एज वेल एज 4.5 इंचेस ब्रिक मैसनरी, इसमें कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स लगते हैं, कितना सीमेंट लगता है, कितना सैंड लगता है और कितना लेवर लगता है, ये सब हम डिटेल देखेंगे। रेट एनालिसिस ऑफ ब्रिक वॉल, मतलब जो ईट का मान कम है उसका रेट एनालिसिस कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक रेट लेते हैं, मटेरियल यूनिट रेट्स अज्यूम्ड। सीमेंट का हमने 320 रुपीज पर बैग अज्यूम किया, सैंड का 2473.50 मतलब 7000 रुपये ब्रास अज्यूम किया है, ब्रिक का 7 रुपये हमने अज्यूम किया है और कॉन्क्रीट M15 का 5000 रुपये और रेइंफोर्समेंट स्टील का 50000 रुपये मेट्रिक टन अज्यूम किया है। अभी 230 एमएम जो ब्रिक वर्क रहता है इसमें 9 इंची बन कम, उसमें एक 1:6 रेशो मोटर है, उसके हिसाब से कितना आता है देखेंगे। 1 क्यूबिक मीटर तो या फिर 230 डिवाइड किया तो 4 स्क्वायर मीटर आता है। अभी ब्रिक्स कितना लगता है, तो ब्रिक्स कितना लगता है 1 डिवाइडेड बाय ये स्टैंडर्ड 9 बाय 4.5 बाय 3 इंच का है, तो 0.23 × 0.115 × 0.08 तो ये 473 नंबर ब्रिक्स लगता है। इधर रेट है, इसके हिसाब से अमाउंट आ गया। वेस्टेज हमने इसमें 5% पकड़ लिया, इसका अमाउंट है। अभी सीमेंट मॉर्टर कैसे आ गया, तो सीमेंट मॉर्टर कैसे आ गया, ये 0.3 डिवाइडेड बाय 1+6 मतलब 1:6 है ना, 1+6 × 1440 डिवाइडेड बाय 50 मतलब ये 1.23 बैग्स आ गया और इसमें रेट है 320 और अमाउंट आ गया 395। अभी इसमें सैंड फॉर मोर्टर, सैंड कैसा आ गया, C7 मतलब ये जो सीमेंट है इसको 6 मतलब × 1 क्यूबिक मीटर में, तो बैग में कन्वर्ट करने के लिए 50 डिवाइडेड बाय तो डेंसिटी उसका 1440 × 1:6 इसलिए 6 से मल्टीप्लाई किया। ये सबसे पहले आपको सीमेंट निकालने के लिए एक चीज ध्यान में रखना है, जब सम सीमेंट निकालते हैं जैसे भी एक स्टैंडर्ड ब्रिक का मैंने फॉर्मूला आपको बताया है 190 बाय 90 बाय 90 स्टैंडर्ड का, तो लेंथ इसका आ गया है 1 मीटर 1 मीटर, थिकनेस मान लो 1 मीटर है, तो इसके बाद मोर्टर कितना आ गया 1:6 और सम 7 आ गया, मोर्टर थिकनेस कितना 10 mm है। तो अभी वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोर्टर, विदाउट मोर्टर मतलब CDE मतलब इधर देखिए लेंथ ब्रेड्थ हाइट 0.19 0.99 0.99, इसके बाद वॉल्यूम विथ मोर्टर मतलब ये आ गए, इसमें ऐड करने की वजह से कितना आ गया ये देखिएगा, पॉइंट विथ मोर्टर मतलब 0.002, इसमें 10 mm हमने ऐड कर दिया, मान लीजिए 0.2 बाय 0.2 बाय 0.1 मतलब 0.02 आ गया। वॉल्यूम हमको मान लो 1 का निकालना है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड कितना आ गया, एफ मतलब ए डिवाइडेड बाय मतलब F73 इधर आ गया, ए 1 डिवाइडेड बाय F72 मतलब ये मतलब वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोर्टर, तो 5 नंबर आ गया। और वेट मोर्टर कैसा आ गया, वेट मोर्टर आ गया अपना ये जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल है ये डिवाइड माइनस मतलब F7 ये जो वॉल्यूम विदाउट मोर्टर इनटू नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड मतलब विथ मोर्टर डिवाइड माइनस ब्रिक वर्क विथ मोर्टर इनटू नंबर ऑफ ब्रिक्स, इसके हिसाब से वेट 0.23 आ गए। और ड्राई मोर्टर कैसे आ गया, तो इसका जो आ गया हमने मतलब वेट मोर्टर निकाला, इसको हमने 30% ऐड कर दिया, मतलब ड्राई मोर्टर के लिए 30% वॉइड्स का ऐड कर दिया 33%, तो ये ड्राई मोर्टर 0.3 आ गया, तो यही 0.3 हमने ऊपर में कंसिडर किया है। तो ब्रिक्स कितना आ गया, अभी सीमेंट बैग्स कितना आ गया, ये 0.3 है DAT मतलब इधर 1 मीटर ये देखिए, ये कैसे आ गया, तो इसमें अपने को DAT डिवाइडेड बाय 50। अभी क्यूबिक मीटर में हमने कैसे आ गया ये देखिए, अभी क्यूबिक मीटर में कैसे आ गया, मोटर रिक्वायर्ड मतलब F76 ये 0.30 × C66 कितना है
C66 मतलब 1 डिवाइडेड बाय E66 डिवाइडेड बाय 7, मतलब दिस इंटू 1 डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया अपना 0.004, और केजी में आ गया इंटू 1440 केजी में आ गया, और बैग्स में आ गया तो डिवाइडेड बाय 50, और सैंड कितना आ गया, सैंड सेम इधर अपना जैसे F76 हमने किया है, देखिए ड्राई वॉल्यूम जो है इंटू D66, मतलब इधर सैंड का प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय सम प्रोपोर्शन, सीमेंट के लिए 1 डिवाइडेड बाय 7 और सैंड के लिए 6 डिवाइडेड बाय 7, इसके हिसाब से सैंड आ गया, और क्यूबिक फीट में इसको 35.31 किया तो 9.25, तो इस हिसाब से हम सीमेंट का और सैंड का ही निकालते हैं। तो अभी इसमें वेस्टेज भी पकड़ा है 5% तो उसका अमाउंट आ गया, इसमें कुछ नॉन स्लिक कंपाउंड ऐड किया है मोटर में इसलिए उसका सीमेंट के हिसाब से ही पकड़ा है, जितना सीमेंट का वॉल्यूम उतना उसका, और उसका 20 रुपये रेट कंसिडर किया है, और लेबर स्क्वायर मीटर 150 रुपये पकड़ा है, तो टोटल आ गया अपना 5,233, 15% ओवर रेट प्रॉफिट 785, तो टोटल आ गया 6,018 रुपये क्यूबिक मीटर, और स्क्वायर मीटर में आ गया तो 1,384 रुपये स्क्वायर मीटर, मतलब E13 मतलब ये 4 डिवाइड 1,384 स्क्वायर मीटर। अभी हाफ ब्रिक का बात करेंगे, हाफ ब्रिक का एक नया आइटम है, इसमें 9 सेंटीमीटर फैब्रिक है, उसका मैसनरी है, तो उसमें कैसा मेनली 20% सुपरस्ट्रक्चर इसमें लिखा है, वाटर एब्सॉर्प्शन नॉट मोर देन 20% इन सुपरस्ट्रक्चर, मतलब वाटर एब्सॉर्प्शन जिसका ज़्यादा 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वही, और ये प्लेन से फ्लो वाला होता है, तो सीमेंट मोटर 1:4 है। अभी नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना आएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना आएगा, अभी इसमें थिकनेस दिया हुआ है इसलिए स्क्वायर मीटर में हम निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 0.23 × 0.08, क्योंकि थिकनेस दिया हुआ है 115 का दिया हुआ है, और थिकनेस दिया है इसलिए 0.23 × 0.08, तो 54 नंबर आ गए, 7 रुपीज रेट या अमाउंट आ गया। सीमेंट एज नीचे दिखाया इसे 0.23 × 0.09 डिवाइडेड बाय 1+4 × 1440 / 50, तो इसमें सीमेंट देखिए अभी 0.23 × 0.09, और इसके बैग्स के हिसाब से ये 320, और सैंड आ गया सीमेंट के हिसाब से × 0.034, एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम है 0.034 × 4, तो उसके हिसाब से सैंड भी आ गया, सैंड का रेट आ गया, ये 5% वेस्टेज है। RCC बैंड और पार्टली जैसे मैंने अभी सेम इसमें 100 हाफ ब्रिक वाले या फिर 100 mm का इसलिए ऐड करना पड़ता है, तो ये 124 कैसे आया, इसमें देखिए 10 स्क्वायर मीटर है, 7 मीटर वॉल कंसिडर किया, लेंथ ऑफ वॉल 10 डिवाइडेड बाय 1.43, स्पेसिंग 1 मीटर सेंटर टू सेंटर है, नंबर ऑफ स्ट्रिक 7 डिवाइडेड बाय 1 - 1 मतलब 6 आ गया 0.1 बाय 0.1, पार्टली बीम 100 mm का है तो 0.09, ये कैसे क्वांटिटी कैसे आ गया इसका, C6 × 1.43 × 0.1, तो ये 0.92, इसका रेट आ गया 5,100 ऊपर हमने कंसिडर किया, लेबर हमने 200 रुपये कंसिडर किया, और 8 mm का स्टील कैसे आया, लेंथ ऑफ वॉल इंटू नंबर ऑफ स्टिफनर्स इंटू 2, दो नंबर है, इंटू उसका वेट 0.39, इसके वैसे भी इसका टोटल लेंथ ऑफ 1.43 है, 300 सेंटर टू सेंटर है, प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ स्टिफनेस 6 × 0.5 / इसका वेट 0.22, इसके हिसाब से ये आ गया, तो इसका रेट ये रेट हमने कंसिडर किया 50,000 रुपये मेट्रिक टन, मतलब 50 रुपये केजी, तो इसको डिवाइडेड बाय 100 के उसको केजी में किया, और इंटू 2% वेस्टेज प्लस 5 रुपीज सालवेज वैल्यू, तो उसके हिसाब से 56 आ गया, तो लेबर हमने कंसिडर किया 10 स्क्वायर मीटर के लिए 20, ये 200 आ गया, तो टोटल 1242 मतलब पर स्क्वायर मीटर 124 आ गया, वही 124 हमने इधर ऐड कर दिया है। इसके बाद लेबर 150 रुपये पर स्क्वायर मीटर ऐड किया, स्कैफोल्डिंग 10 रुपये ऐड किया, तो टोटल आ गया 765, 15% ओवरहेड प्रॉफिट 114 आ गया, तो टोटल रेट आ गया अपना 880 रुपये 67 पैसे पर स्क्वायर मीटर।
इसमें मेनली ये ध्यान में रखना है, अगर हाफ ब्रिक वर्क है, सिंगल ब्रिक वर्क है जो है, तो उसमें पार्टली ऐड करना पड़ता है, उसका हमने मेजरमेंट ले, उसका एनालिसिस करना जरूरी है इसके। और कैलकुलेशन करते हैं मैंने स्टैंडर्ड ब्रिक के हिसाब से आपको बता दिया, ये जरूर ध्यान में रखिए, और थिकनेस के हिसाब से उसको चेंज करके कितना आता है क्या आता है वही पर चेक कर दीजिए। तो दोस्तों आपने देखा कि ब्रिक मैसनरी में पर क्यूबिक मीटर 9 इंच का है तो कितना खर्चा आता है, और 4.5 इंच ब्रिक वर्क है तो कितना खर्चा आता है, तो टोटल कॉस्टिंग कितना आता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए, अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।